नोबिता भी ना हमेशा ही गायब हो जाता है क्योंकि उसे मार्केटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ, ये तो टीचर है। ओ, तो आप नोबिता की मॉम हैं। आप नोबिता की हमेशा मदद करते हैं, उसके लिए थैंक यू। देखिए नोबिता की मॉम आजकल नोबिता पढ़ने लिखने में नोबिता पढ़ने लिखने में क्या अब मैं इन हड्डियों का क्या करूंगा। पर वो डॉगी जोर दे रहा था। डॉगीज के बीच पॉपुलर होने का कोई भी फायदा नहीं है, पर मैं काटे जाने से तो बच गया। बच गया। मैं तो भूल ही गया था कि मेरा सारा गुड़ला खत्म हो गया है। बाहर रहना खतरनाक है, मुझे घर जाना चाहिए, यही सही रहेगा। नोबिता अभी तक घर वापस नहीं आया है ना? नहीं मॉम, वो अभी तक घर नहीं आया है। पर क्या बात हो गई? आप मुझे बताएंगी जरा? आज मार्केट में उसके टीचर से मुलाकात हुई थी। नोबिता कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं करता है, बस खेलता रहता है हमेशा। तुम देखना डोरेमोन, आज मैं उस नोबिता को सबक सिखा कर ही रहूंगी। नोबिता आज तो नोबिता गया काम से। सुनो नोबिता, जरा मुझे बताओगे कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे? वो मैं जब मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए भेजना चाहती हूँ तब तुम गायब हो जाते हो। इसके अलावा तुम अपना होमवर्क भी कभी खत्म नहीं करते हो। मैं आज तुम्हारे टीचर से मिली थी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम अपना होमवर्क करना रोज भूल जाते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी शर्मिंदा हुई नोबिता? मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ कि अपना होमवर्क किया करो, अच्छे से पढ़ाई किया करो, तभी तो कुछ बन पाओगे। तुम्हें कभी समझ नहीं आता नोबिता। मैंने तो इसे गैजेट को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तुम हमेशा अपना होमवर्क करने से पहले ही सो जाते हो। आज तुम अपना होमवर्क पूरा करके ही सोओगे, समझ गए ना? जाओ होमवर्क करो। ठीक है मॉम। मुझे पता है तुम नहीं करोगे, इसीलिए मैं आज पूरी रात तुम्हारे रूम में ही रहने वाली हूँ ताकि तुम अपना होमवर्क पूरा करो, समझ गए? लगता है नोबिता अपना लक कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। प्लीज डोरेमोन, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। वाह, इसी का इंतजार था। नोबिता, ये लो। आज क्लास में हम आते हैं। हे नोबिता, क्या ये तुम्हें टेस्टी लगा? बहुत अच्छे हैं। तो तुम मेरा वाला भी ले सकते हो। हाँ, तुम नहीं खाना चाहते? नहीं देखो, वो बात नहीं है। इस डोनट के बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा? ओ अच्छा, अब समझा। तुम मुझे रिपे करने की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, अच्छे से खाओ, मगर इसे खाते ही चले जाना, ठीक है ना? ठीक है। जब से मुझे पता चला है कि मोटोयामा तुम्हें अपनी कॉमिक्स दे रहा है, तब से मैं कॉमिक्स के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए तुम जल्दी से खाओ और फौरन उसके घर पहुँच जाओ। बिल्कुल, मैं ले आऊँगा। बहुत टेस्टी था। ठीक है नोबिता, अब तुम प्लीज जाकर जरा वो कॉमिक्स ले आओ। अरे क्या बात है, तुम नहीं जा रहे? मैं बहुत थक गया हूँ डोरेमोन। पर तुमने तो प्रॉमिस किया था कि स्नैक्स खाने के बाद चले जाओगे, अब क्या हुआ? मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं नहीं जा पाऊँगा, सॉरी। अब इसका क्या करूँ? सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी खाने के बाद तुम बस सो जाते हो। ये क्या है? मैं तुम्हें आज के लिए ये दे रहा हूँ। अब बस तुम देखते जाओ कि होता क्या है। ये क्या हो रहा है? मुझे ये क्यों पकड़ना पड़ रहा है? देखो नोबिता, तुम सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर बने हो, समझे? मैं ड्राइवर बना हूँ? हाँ सही कहा, चलो मुझे बाहर लेकर चलो। ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, ड्राइवर को वही करना चाहिए जो उसका पैसेंजर कहे। नहीं, मुझे नहीं करना। तुम बहुत भारी हो। जोर लगा के, हाय शाम, जोर लगा के। अब नीचे उतारो। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। थैंक्स का क्या मतलब है? तुमने मुझसे जबरदस्ती काम करवाया। देखो तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। इस रैपर कैप की मदद से तुम कहीं भी आसानी से जा सकते हो। मैं समझ गया, मैं किसी को मोटोयामा के घर ले जाने को तैयार कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा।
अगर मैंने नोबिता को रैपर कैब में देखा होता तो मुझे ही उसे खुद उठा कर ले जाना पड़ता। कब कोई आएगा और मुझे कैरी करेगा? मैं बोर हो रहा हूँ। ये क्या है और कौन रख गया होगा? अरे ये क्या हो रहा है? ओ अच्छा, तो आप मुझे कैरी करने वाली हैं? अरे मामा, नोबिता तुम मुझे बताओगे सबका मतलब क्या है? मुझे नीचे रखिए। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे? बार बार बच गया। क्या हो सकता है? अरे ये तो बहुत भारी है। अरे शिज़ुका, तुम यहाँ कैसे? अरे नोबिता, तुम ये सब आखिर हो क्या रहा है? तुम मुझे कैरी नहीं कर पाओगी, प्लीज मुझे नीचे रख दो। अगर मैं अपनी वॉयलिन क्लास के लिए लेट हो जाती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती, समझ गए नोबिता? सॉरी। ओके बाय। मुझे कैरी करने के लिए कोई ताकतवर इंसान चाहिए, क्या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं? हाँ अरे मुझे ये क्या हुआ, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे मोटोयामा के घर जाना है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो बाथरूम जा रहा था, अगर मैं जल्दी से नहीं गया तो यहीं पर ही गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता। आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए। क्या अजीब मुसीबत है, न जाने अब मैं क्या करूँगा। अरे डॉगी यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। मुझे छोड़ दो, तुम्हें मुझे कैरी करने की जरूरत नहीं। अरे क्या, तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ये कैसी नौबत आ गई है कि डॉग्स और कैट्स मुझे ट्रैक कर रहे हैं? कैसा कोई ताकतवर इंसान नहीं जो भी बिजी ना हो? वो ठीक लगता है, वो ताकतवर है और बिजी भी नहीं है। ओ जियान सुनो। अरे इस तरफ देखो, यहाँ पर मैं। नोबिता बीच सड़क पर कर क्या रहा है? अरे मैं अपने पैर रोक क्यों नहीं पा रहा? आखिर ये सब क्या है नोबिता, बताओ मुझे। यहाँ आने के लिए शुक्रिया जियान, सॉरी पर अब तुम्हें मुझे मोटोयामा के घर ले जाना होगा, ठीक है ना? क्या कहा तुमने नोबिता? तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं वो करूँगा जो तुम चाहोगे? कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे नहीं गिरा सकते। नोबिता तुम्हें ये कैसे लगता है कि जो तुम चाहोगे वही मैं करूँगा? मैं नहीं करूँगा। नहीं नहीं, कैब ड्राइवर को वही करना चाहिए जो कस्टमर चाहता है। कितना मजा आ रहा है, चलो ड्राइवर जल्दी चलो, मैं लेट हो रहा हूँ स्पीड में। और कितनी तेज जाऊँ मैं? चलो चलो चलो, चलो आगे से लेफ्ट ले लो। नोबिता देखो, ज्यादा हीरो मत बनो समझे? कस्टमर को कभी भी धमकी नहीं देनी चाहिए वरना टिप नहीं मिलेगी। बस मुझे एक मौका मिले फिर तुम्हारी खैर नहीं। जियान अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कहाँ रह गया, उसी ने तो हमें यहाँ बुलाया है। ये चलो जियान यहाँ से ले। जियान अरे ये तुम क्या कर रहे हो? गुड बॉय, अब चलो 10 बार चक्कर लगाओ। नहीं नोबिता बंद करो इसे, मैंने बहुत हो गया। रुक जाओ नोबिता। चलो 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 जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, मुझे आमा के घर चलो। जियान तो गया काम से। हम पहुंच गए। थैंक यू, अब तुम मुझे नीचे रख सकते हो जियान। अभी तक आपने मुझे पे नहीं किया है सर। प्लीज जियान मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। क्या कहा तुमने? रुक जाओ नोबिता, तुम नहीं भाग सकते। जियान, मुझे छोड़ दो, मैंने कहा रुक जाओ नोबिता।